कल का जो है 368 आई है UPI जी, 368 UPI आई है कल की, 368 का। और आज, आज भी तो 345 चल रहा है। तो पिछले कुछ समय से 300 के प्लस है, क्यों, क्या वजह? उसे जो हमारा सिस्टम जहाँ लगा हुआ है उस जगह पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उस जगह जो पेड़ पौधे हैं ना उनके पत्ते वत्ते भी जला रहे हैं। हम लोग कल नोटिस निकाल देंगे उन लोगों को। प्रदूषण जो बहुत ही हानिकारक है, ये हमारी सांस की नलियों को, फेफड़ों को बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। इससे COPD नाम बीमारी होती है, जिससे मरीज को खांसी आती है, बाद में सांस फूलने लगती है और फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस की नलियां खराब हो जाती हैं, और श्वसन तंत्र पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा भी और अंगों पर भी इसका असर पड़ता है, और ये हर दिश से बहुत ही नुकसानदायक है। किस तरह की बीमारियां, जो बड़ी बीमारी जिसमें COPD होता है, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि फेफड़े नष्ट हो जाते हैं, सांस की नलियां नष्ट होती हैं, ये सबसे बीमारियां होती हैं। और पोल्यूशन से आँखों की बीमारियां होती हैं, आँखों में जलन होती है, आँखों में खराबी आती है, और मेन तो इसका श्वसन तंत्र पर ही ज़्यादा असर पड़ता है। सर, पर्यावरण को दूर करने के लिए किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? क्या दो हिस्से हैं पर्यावरण के, एक तो आप प्रदूषण न फैलाएं, और यदि कुछ प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने का उपाय करें। प्रदूषण फैलाने में ये है कि आप जैसे पलारी न जलाएं, ईख की पत्ती लोग जलाते हैं वो न जलाएं, कोयला न जलाएं, गोबर कंडे न जलाएं, ये सब गैसें, टायर न जलाएं, ये सब गैसें हवा में उड़ती हैं जो कि प्रदूषण फैलाती हैं। और रोकने का ये है कि यदि बहुत ही ज़रूरी है तो आजकल वैज्ञानिक तरीके से चिमनियाँ बनाई गई हैं, जिन चिमनियों में जो हानिकारक कण होते हैं वो रोक लिए जाते हैं, ऐसी चिमनियों का प्रयोग करें। इसके अलावा जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के अलावा, वो हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत ही ख़तरनाक है। हमारी जो मेन नदी हिंडन है, काली है, वो प्रदूषण के बोझ से बिल्कुल मरी जा रही हैं, और उसके लिए जो हमारे नदियों किनारे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं वो उसके लिए दोषी हैं, जो कि अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन नदियों में आ जाता है। तो उसका उपाय यह है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा हो रहा है फैक्ट्रियों का, उसका पहले ट्रीटमेंट करें, उसको फिल्टर करें, साफ करें, साफ पानी है वो उसको नदियों में छोड़ें।